दीन दयाल का बिरुद आप भूल गए क्या? मैं कितने दुखी हूं, मेरे दुख का निवारण अब तक आपने क्यों नहीं किया? अपने डिग्री को याद दिलाना है हनुमान जी, दीन दयाल बिरुद संभारी, हर हो नाथ मम संकट भारी। हनुमान जी महाराज प्रभु राम जी को बोलना कि आपका स्वभाव है कि दिनों का दुख दूर करना, तो मेरे ऊपर तो भारी संकट है, राम का वियोग है, इससे भारी संकट क्या हो सकता है? अब तक आपने मेरे संकट का निवारण क्यों नहीं किया? क्या आप भूल गए कि आप दीनदयाल हैं? उतने में प्रभु राम जी न समझे तो एक कथा याद दिलाने, तात सक्र सुत, हे बेटा कथा सुनाए हूँ, बाण प्रताप प्रभु ही समझाए। सक्र सुत की कथा याद दिलाना, सक्र अर्थात इंद्र, इंद्र के सुत जयंत, जयंत कौवा बनकर रामायण में आता है और गलती से भगवती सीता के पैर के उस जयंत रूपी कौवे ने चांच मार दी, तो प्रभु आपको इतना गुस्सा क्रोध आया था, आपने उस जयंत के पीछे जो बाण चढ़ाया था, बाण चलाया था, उस जयंत की त्रिभुवन में कोई रक्षा नहीं कर सकता, ऐसा आपका बाण आप क्यों भूल गए? उस बाण का प्रभाव आप क्यों भूल गए? उसको याद दिलाना प्रभु। मगर छेली बात सुन लो, एक महीना है बेटा, आना है मुझे जीना, मुझे जिंदा देखना है, तो आप एक महीने के अंदर आ जाना, प्रभु राम को बोल देना, नहीं तो एक महीने के बाद यहां सीता नहीं होगी, उसका शरीर होगा। मास दिवस महो नाथ न आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पा। प्रभु को इतना बता देना कि एक महीने की मोहलत उस राक्षस ने दी है, मैं राक्षस के आगे सरेंडर होने वाली नहीं हूं। यदि राम महीने के अंदर नहीं आ गए तो मैं रावण के आने से पहले अपने प्राण की आहुति दे दूंगा, मैं मर जाऊंगा। कपि तू बात करता है कि मां धीरज रखो, मगर धीरज कैसे रखे? कहो कपि के ही विधि राखो प्राणा, तुम हुता कहत अब जाना। ए बेटा, तेरे आने से मेरे जीव में जिया गया था, अब तू ऐसा बोलता है कि मां मैं जा रहा हूं। अब बेटा, अब तक तो मैं अकेली थी, मगर आप आ गए तो मेरा बच्चा मेरे साथ है, तो जान में जान आ गई थी, अब आप बोल रहे कि मां कछुप दिवस जननी दरु धीरा, तुम भी अब जाने के लिए बोल रहे हो, तुम हो कहत तो बहुत दांत कहत अब जाना, अब तू भी जाने की बात कर रहा है। पुनि मोख सोई दिन सो रात, ए बेटा तुझे देखा तो मेरी छाती में शीतलता हुई, मगर अब तू जाएगा तो वैसे ही दिन हमारे बढ़त राशि दुखाए देवा, सिर्फ जलन है, तू चला जाएगा वैसे का वैसा मेरा दिन आ जाएगा, तू बेटा आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जनक सुत ही समझाइ कर, बहुविध धीरज जिनी, चरण कमल सिरु नाइ कपि, गवन राम पहि चलत महाधुनि कर जसिबाई, गर वस्त्र वहिनी नारी नाथ सिंधु नहि पारहि का, सब जटिल किला कपि न सुनाव, हर्षे सब बीलो की हन, नूतन जन्म कपि न तब जान, मुख प्रसन्न तन तेज विराज,
किन है श्री राम चंद्र कर का मिले सकल अति भय कुबा अलक मीन पाऊं जिमी बारी चले हरत रघुनायक पा पूछत कहत नवल इतिहास तब मधुबन भी कर सब आए अंगद सम्मत मधुबल का रखवारे जब गर्जन लागे मुष्टि प्रहार हनत सब भागे मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी जपत निरंतर शंभु बेटा तू जा रहा है अभी तो मेरे तो कैसे कपड़े से हो गया जनक सुत ही समझाए करे जनक की पुत्री भगवती माँ जगदम्बा सीता अम्बा को बेटा समझाता है माँ धीरे धीरे जल्द ही प्रभु राम जी आए अनेक प्रकार से धीरज आश्वासन दिया भगवती के चरण कमल में नमस्कार किया और प्रभु राम की ओर हनुमान जी महाराज चले। मगर हनुमान जी महाराज को लंका के प्रति कुछ विशिष्ट द्वेष है ऐसा लगता है। काफी लोगों को मार दिया मगर हनुमान जी महाराज ने सोचा कि प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम है, मैं अकेला हूं तब तक जो चाहता हूं वो कर सकता हूं। सेवक अकेला जाता है तो वो कुछ भी कर सकता है, स्वामी के साथ जाता है तो स्वामी की आज्ञा के विपरीत नहीं जा सकते। और प्रभु राम के साथ आएंगे तब मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, राम जी की इच्छा के अनुसार राम जी का आदेश होगा वैसा ही मुझे करना पड़ेगा। मगर प्रभु राम जी यहां आएंगे तो प्रभु राम जी दो काम नहीं करेंगे, एक महिलाओं को नहीं मारेंगे और बच्चों को नहीं मारेंगे, छोटे बच्चों को नहीं मारेंगे। तो छोटे बच्चे को हनुमान जी ने ऐसे जला दिया, भाग नहीं पाए, सोने की लंका के साथ जल गए। मगर अभी प्रॉब्लम यह है कि काफी राक्षसानी गर्भवती थी तो स्त्री बच जाएगी तो उसके गर्भ से कल और राक्षस पैदा होगा, तो जो गर्भ था हनुमान जी महाराज स्त्री को स्पर्श नहीं कर सकते और स्त्री के ऊपर अत्याचार भी नहीं कर सकते। तो हनुमान जी ने एक ऐसी कर्कश आवाज निकाली, ऐसी गर्जना की कि जिन जिन स्त्रियों ने उसको सुना वो इतनी भयभीत हो गई और भय से गर्भपात हो जाता है। लंका की सभी गर्भवती स्त्रियों का गर्भपात हो गया। चलत महाधुनि गर्जसी भारी गर्भस्त्र वही सुनी निशिचर नारी। ये ऑडियो थेरेपी हनुमान जी महाराज सब आज की तारीख में हनुमान जी महाराज दिने दिने नवम नवम। ये तो हनुमान जी महाराज से आपको बहकाया गया, डराया गया। बालक हनुमान आप उसके कई बार उसके विग्रह ऐसे सामने आ जाता है जैसे आपको लगता है हमारा बेटा है, गोदी में लेके घूमने की इच्छा होती है। कई बार आपको लगता है हमारा बाप है, कई बार हमारा भ्राता लगता है, कई बार हमारा स्वामी लगता है, सखा। और हनुमान जी महाराज जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिरंग देख रही थी। अपने हनुमान जी की पूजा की तो आपको लगा ये बालक हनुमान जी बैठे आ हनुमान जी महाराज ने कर्कश आवाज से भयंकर गर्जना की। उस गर्जना के कारण लंका की जो स्त्री थी गर्भवती महिलाएं थी उनका गर्भ स्त्रवण हो गया, गर्भपात हो गया। नाथ सिंधु यही पार ही आवा शब्द किलखिला कपि ने सुनावा। दो यह शब्द आए एक गर्जना और किलखिला किले किला कपी ने सुनावा। तो पहले दिन हमने कहा था कि हनुमान जी महाराज के अपने स्वरूप बड़ा किया,
कनक भूधरा काल सरेटा समर भयंकर अति बल पीरा। हनुमान जी ने गर्जना सिंह नाद करी बारह ही बारह। सिंह की नाद को कहते हैं गर्जना, सिंह बोलता है उसको गर्जना कहते हैं। मगर यहाँ बानर भी बोलते हैं और हनुमान जी भी बोलते हैं, एक ही चौपाई में दो लोग बोलते हैं। दिस द ब्यूटी ऑफ तुलसी। चलत महाधुनि गर्जस भारी, ये भी बानर है मगर जो हनुमान जी बोले उसको गर्जना कहा। और यहां शब्द किलकिला कपिल सुनाव, नाभि सिंधु यही पार ही आव। जैसे यहां हनुमान जी आए तो सब बंदर भी बोलने लगे, हे आ गया आ गया आ गया। मगर उस बंदर की आवाज को तुलसी ने किलकिलाहट बताया कि ये कोई गर्जना नहीं है, और बंदर गर्जना कर भी नहीं सकता। और सबने हनुमान जी को देखा तो आनंद आ गया। हर से सब बिलो की हनुमाना। अभी यहां भी महीना पूरा होने से पहले हनुमान जी आ गए, चलो शांति हो गई कि हमारा नया जन्म हो गया। नूतन जन्म कपिन तब जाना, चलो हम मरेंगे नहीं। अभी हनुमान जी की फोटो निकाली तुलसी ने कि हनुमान जी कैसे दिखते थे। अभी जो व्यक्ति 100 योजन कूद के गया, वहां माता से मिला, इतना सब उनके साथ क्या हुआ हमने देखा, उसको युद्ध किया, पकड़ा गया, मन उजारे, रावण के साथ मगज खाया, रावण ने कई प्रकार से प्रताड़ित किया, पकड़ा गया, पूछ जलाई गई, पूरी लंका को जलाया, कितना कष्ट लेकर हनुमान जी आए थे। तो हनुमान जी कैसे दिखते, थकान कितनी है, उस थकान को दिखाने के लिए तुलसी ने एक स्टिल फोटोग्राफी की। यहाँ हनुमान जी का मुख कैसा है, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, गिन है श्री राम चंद्र कर काजा। 3 दिवस अपने बेडरूम में सोए रहे, पूरा आराम, और 3 दिन मंदिर में काम करके जाना, पूरा शरीर थक जाए इतना काम करना, फिर फोटो निकालना। दोनों आपने जब राम काम किया है तो आपके चेहरे पे लाली कुछ और होगी सर। कई बार हम यहाँ के काफी लोग अपना तर्क दे देते हैं कि भाई हम लोग बोलते थे ना ऐसा वैसा क्यों खाते हो, तो बोले ये ह्यूमन बॉडी तो मल्टीटास्क बॉडी है, वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी खा सकती है, कुछ भी पी सकती है, शरीर में कुछ भी कर सकते हो। द ह्यूमन बॉडी इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ क्रिएटर, इसके बाद का लेटेस्ट वर्जन कोई नहीं है। बाकी कोई भी प्राणी 2 पैर पे खड़ा हो सकता है क्या, ये आपका ट्राइपॉड भी 3 लगाना पड़ा, 2 पैर लगाओ जो हालता है, चलता है, डोलता है, घूमता है, फिरता है, 2 पहिए वाला गाड़ी चलता है मगर चलता है तब तक ही, खड़ा रहना है तो 3 पैर निकालना पड़ता है। अपना स्कूटर 2 पहिया होता है मगर चले तब तक ठीक है, यदि खड़ा रहना है तो उसको स्टैंड लगाना चाहिए। भगवान ने मानवी का सृजन किया क्योंकि मानवी को ऊपर जाना है, ऊर्ध्व गति करनी, सब हाथी घोड़े ये सब 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 योनि में से निकल कर भगवान हमको सीधा बना रहे। बाकी सब कैसे हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल आगे को क्या बोलता है टेढ़े, हाथी कैसे होता है ऐसे ऐसे जाता है, गधा 2 पग बोलो, यहां 2 पग वाले कदे होते थे। हम किसी को बोलते हैं मगर कृपा किसी को गधा मत बोलने का,
गधे को शर्म आती है क्योंकि गधे जैसा कोई ईमानदार नहीं है। यदि आपको किसी को गधा बोलना है तो एक आपको मैं अच्छा नाम दे दूं, मगर मेरे जाने के बाद 22 तारीख तक नहीं। गधे का एक नाम है चित्राष्टकम में वैशाख नंदन, रास को गर्दवश्चे वखरो वैशाख नंदनम। तो किसी को गधा बोलना है ना, प्रेम से बुला लो, ओ भाई वैशाख नंदन जरा इधर आ जाओ, तो उसको बोल अच्छा लगेगा मेरे को कुछ नंदन नंदन बोला, तो हमारा काम भी हो जाए और उसको अच्छा तो नहीं लगे मगर गलत भी ना लगे। तो हम सब आदमी है, व्यक्ति है, मनुष्य वो सीधा है, प्राणी टेढ़ा है, आड़ा है, हॉरिजॉन्टल, और हम मानवी वर्टिकल। मगर आप एक थोड़ा